क्वेश्चन में क्या प्रूव दैट ए से लेके बी तक एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल्स टू बी माइनस ए बाई टू। अभी जो हम ये फोर प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं ना, ये उसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है, यानी कि आंसर ना डायरेक्ट यही आता है। तुम कोई सा भी क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। अब जैसे ये दिया, उसको हमें प्रूव करना है, तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे आई, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, तो हम इसको आई मान रहे हैं क्या, ए से बी तक एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। इसे मान लो फर्स्ट यूजिंग ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो आई ए से बी तक एफ एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स अपॉन एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे एक्स की जगह रखेंगे हम ए प्लस बी माइनस एक्स, तो क्या आ जाएगा, ये एफ एक्स आएगा। देखो इस एक्स की जगह रखोगे ए प्लस बी माइनस एक्स, तो माइनस ए माइनस बी से कैंसिल, और माइनस एक्स तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये आया, इसे मान लो सेकेंड, ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, आई प्लस आई टू आई ए से बी तक, दोनों के डिनोमिनेटर क्या है सेम, तो एलसीएम सेम आएगा यही, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस एफ एक्स, और न्यूमरेटर में एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, और प्लस कितना एफ एक्स डी एक्स, ये कैंसिल। तो 2i इक्वल्स टू a से b dx, तो 2i इज इक्वल टू x कहाँ से कहाँ तक, a से b तक, लिमिट अप्लाई करा दो, 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो i इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन 2, बस।